हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिक 11 फोकस पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SLGY वर्सेस SLRE ड्रीम 11 स्टैट्स प्लस इन्फो, यानी श्रीलंका ग्रेज वर्सेस श्रीलंका रेड्स का जो फाइनल मैच खेला जाने वाला है श्रीलंका इन्विटेशनल T20 लीग का। सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, नीचे आपको एक लाल सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आपने वहां से हमें सब्सक्राइब कर लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो टॉप के कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम में जुड़ने के आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। ऐसे मैचेस की लाइनअप बहुत ज़रूरी हो जाती है, जैसे ही मुझे लाइनअप मिलेगी आप समझिए आपको मिल गई, क्योंकि मैं टेलीग्राम पर लाइनअप डाल दूंगा। फटाफट आप अपनी टीम चेंज कर पाएंगे, बिकॉज काफ़ी लोगों के प्लेयर खेलते ही नहीं हैं। आप ये एडवांटेज ले पाएंगे और ग्रैंड लीग्स में अच्छी रैंक लेकर आ पाएंगे। इस टूर्नामेंट में अभी तक लाइनअप्स बहुत लेट आई हैं, ये फाइनल मैच है, उम्मीद करते हैं इस पे वक्त पे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपके लिए रिकमेंडेड रहेगा ग्रैंड लीग खेलें। स्मॉल लीग में लगभग सबकी सेम टीम होगी, एक या दो चेंज होंगे जो लोग करेंगे। वैसे वो एक दो चेंजेस आप अगर डिफरेंट ले जाते हो लेस सिलेक्टेड प्लेयर, ग्रैंड लीग्स में आपकी अच्छी रैंक जरूर दिला सकते हैं। उन प्लेयर्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा, आप ध्यान जरूर देना। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन और टॉप के कमेंट में जहां से आप आना चाहें टेलीग्राम पे आ सकते हो सबसे ऊपर के कमेंट से। अब वेन्यू की बात करें, वही पालेकल क्रिकेट स्टेडियम, सारे मैचेस हमें भैया यहीं देखने को मिले हैं। न्यूट्रल विकेट है, एवरेज स्कोरिंग यहाँ पे जो हो रही है लगभग 150s में रह रही है। आप देखोगे 8 मैच में 145 रहा है और स्पिन भी हो रहा है यहाँ पे। स्पिनर्स देखोगे 38 विकेट्स लेके गए, फास्ट 35 विकेट्स। ये पहले 8 पेजेस का डेटा है जो कंप्लीट हुए थे। आखिरी दो दिन में आपको पता है काफ़ी बारिश हुई है। इवन 12th मैच जो कंप्लीट हुआ वो 15 ओवर का ही हुआ था, उसका डेटा आपको दूँ तो वहाँ पे भी क्लियर आपको एडवांटेज मिलेगी स्पिन को। तो स्पिनर्स को यहाँ पे एडवांटेज मिल रही है, वही बात हो रही है। लगभग 20 ओवर में अगर 150 देख रहे हो, 7.5 का नेट रन रेट है, वहीं लगभग यहाँ पे आपको देखने को मिला था। रेड्स की टीम लास्ट मैच की परफॉर्मेंस जीतने के बाद ये वाला मैच पहुंच गई है फाइनल में और आज ग्रेस से खेलेगी, जो कि अनबीटन है टूर्नामेंट में। ग्रेस अभी तक कोई मैच नहीं हारी है, 6 में से 4 जीतकर दोनों रिजल्ट रखी है। वही लाइनअप इनकी एक्सपेक्ट करूं जो लास्ट मैच में थी। अगर कोई चेंज होगा तो वो असिता फर्नांडो अंदर आ सकते हैं गुना तिलाके की जगह, जिन्होंने केवल एक ही ओवर किया था। वैसे गुना तिलाके बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, आपको बता दूं। नीचे आप अगर सबके स्टैट्स देखोगे वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। पहले इस सीजन के स्टैट्स देख लेते हैं, इस सीजन इनके लिए कौन अच्छा रहा है। देखो 50 मारने वाले तो 3 ही प्लेयर रहे हैं, जिनमें दिनेश चांदीमल है 5 मैच में 169 रन 42 की एवरेज, अविष्का फर्नांडो है 5 मैच में 144 रन 36 की एवरेज, और शादा फर्नांडो है 5 मैच में 85 रन 21 की एवरेज से। गुणारत्ने टीम के फिनिशर हैं 5 मैच में 63 रन, निपुंद रंजिया है 5 मैच में 34, करुणारत्ने भी एक फिनिशर हैं अच्छे, 5 मैच में 19, हाल ही में श्रीलंका से अच्छा खेले थे। रामा नायके भी हैं जो कर सकते हैं 3 मैच में 16 रन। तो ये जो इनके टॉप 7 है, बल्लेबाजी से इन पे ही आपको ध्यान देना है, बाकी अब हम गेंदबाजी पे चलते हैं। फिर भी अगर आप किसी बॉलर का भी बल्लेबाजी स्टैट्स देखना चाहो तो उसमें दरंजिया के 15 रन है वगैरह सब आप देख सकते हो। बॉलिंग में दोस्तों रामनायके ने 4 मैच में 7 विकेट लिए, अच्छा किए हैं, रेगुलर विकेट्स निकाली हैं पावर प्ले में भी और एंड में भी कई बार इनको ओवर मिलते हैं। सीकू के प्रसन्ना 5 मैच में 7 विकेट है, चमिका करुणारत्ने की 3 मैच में 5 है, 3 ही मैच खेले हैं बिकॉज पहले 2 मैच इन्होंने मिस किए थे। प्रभात जयसूर्य 5 मैच में 3, दरंजिया 5 मैच में 3, गुणारत्ने 5 मैच में 3 एंड असिता फर्नांडो 3 मैच में 2। लास्ट मैच गुना तिलाका खेले, एक मैच में एक ही ओवर किया, मैंने आपको यहाँ पे पहले ही लिख के रखा था। फर्स्ट मैच में टूर्नामेंट के T20 में आज तक इन्होंने बॉलिंग नहीं करी थी, लेकिन ODD में इनके पास 6 विकेट हैं वनडे डोमेस्टिक में, और आप देख सकते हो इन्होंने यहाँ पे भी ओवर डाल दिया। अब इनका एक ही ओवर है T20 में जो इन्होंने लास्ट मैच में डाला था, तो 1 से 2 ओवर आपको ये भी करते दिख सकते हैं ओनली ग्रैंड लीग के लिए। ज्यादा मैं सिलेक्ट करने को आपको नहीं बोलूंगा, ठीक है। श्रीलंका रेड के लिए जब आप देखोगे फुल स्टैट्स प्लस इन्फो, आपको वही प्लेयर इंपॉर्टेंट मिलेंगे, दिनेश चांदीमल, अविष्का फर्नांडो, उषादा फर्नांडो, फिर यहां पर असेला गुणारत्ने, करुणारत्ने, प्रसन्ना, अकीला धनंजिया, बस यही कहूंगा। और हाँ, रामा नायके भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ऑलराउंडर हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि अच्छी खासी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन बल्ले से भी दे सकते हैं। श्रीलंका ग्रेस बहुत अच्छी टीम रही है अभी तक की, आप कह सकते हो सबसे फॉर्मिडेबल टीम, जो इस टूर्नामेंट में 6 में से 4 मैच जीते हैं, 2 हुए हैं इनके दोस्तों नो रिजल्ट। विनोद भनुका इनके लिए ओपनिंग कर सकते हैं, कुछ मैचेस में मिडिल ऑर्डर में भी आए हैं। श्रीलंका के लिए हमने रिसेंट में ओपनिंग पे देखा था, लेकिन अभी कुछ एक दो मैच में ना श्रीलंका ग्रेस की टीम ने इनको 2 डाउन पे खिलाया है, तो देखते हैं कहाँ पे आते हैं। रिगार्डलेस ऑफ दैट ये अच्छे प्लेयर हैं, स्कोरिंग कर सकते हैं। क्रॉसफुल राइट हैंड बैट्समैन है, साथ में ओपनिंग करेंगे कमिल मिश्रा लेफ्ट हैंड बैट्समैन। चरित असलंगा अगेन बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन प्लस राइट आर्म ऑफ स्पिनर। दसुन शुनाका इनके मेन प्लेयर हैं, कैप्टन है। चतुरंगा डिसिल्वा वनिदो संगा के भाई हैं मेरे दोस्त, और ये भी आपको बता दूं अच्छे स्पिन भी डालते हैं, लेफ्ट हैंड बल्ले पास भी। पुरीनाथ रंगा एक और स्पिन ऑप्शन, फिर लहिरू मधुशंका मीडियम प्लेस प्लस रन्स कर सकते हैं। ईशान डैनियल, नुवान प्रदीप और उदित मधुशान इनके अगेन मेन बॉलर्स में आते हैं, लेकिन ज़्यादा बॉलिंग अदित मधुशान नहीं कर रहे हैं इसलिए मैंने इनको ओपन स्पॉट पर रखा है। इनकी जगह पर कोई भी यहाँ पे टीम में आ सकता है।
बल्लेबाजी वाइज देखोगे दसुन शनाका ने टीम की कमान संभाली है, 5 विकेट 210 रन। चरित हसलंका 3 मैच में 119, इन्होंने 3 मैच में ही 250 कर दी। लहिरू मधुशंका 3 मैच में 90 रन। कमिल मिश्रा 5 मैच में 84। नुवानिंदु फर्नांडो 4 मैच में 56, जिसमें 150 भी है नोट करिएगा। और लसित क्रॉसपुल 4 मैच में 56 रन, 14 की एवरेज से ये इनके रहे हैं बल्लेबाज। एंड में पुलिना थरंगा भी कुछ रन कर सकते हैं। भनुका ना इस टूर्नामेंट में अच्छे नहीं रहे, बट ये मत भूलिएगा अभी श्रीलंका और इंडिया की जो सीरीज हुई थी टफ कंडीशंस में अच्छी स्टार्ट दे रहे थे श्रीलंका को, तो ये भी ठीक प्लेयर हैं। ठीक है, ये सी डी सिल्वा भी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं, वैसे आपको ये बोलिंग सेक्शन में मिलेंगे, काम इनका ऑलराउंडर वाला ही है। बोलिंग में दोस्तों नुवान प्रदीप हैं, यहाँ पे नुवान पता नहीं क्यों हो गया, इनका नाम नुवान प्रदीप है। काफ़ी अच्छे फास्ट बोलर हैं, 4 मैच में 5 विकेट। पुरीना थरंगा 5 मैच में 5। ईशान डैनियल 4 मैच में 4। चतुराडे सिंगलवा 5 मैच में 4 विकेट। ठीक है, ये इनके रहे हैं मेन बोलर्स। लहिरुद्दीन मधुशंका ने बोलिंग थोड़ी कम करी है मगर बल्लेबाजी से कॉन्ट्रीब्यूट किया है, 2 विकेट। बल्लेबाजी से भी 150 करी है, इसलिए बता रहा हूँ। अगर आप देखोगे ना लहिरू मधुशंका का, ये देखो, तो इन्होंने स्कोरिंग भी थोड़ी करी है। दसुन थोड़ी बोलिंग भी कर लेते हैं, तो यही सब इनके की बोलर्स हैं, आप इजीली स्टैट्स से अंदाज़ा लगा पाओगे। अब दोस्तों ग्रेस के भी आपको मैंने फुल स्टैट्स बता दिए, ताकि आप अपनी टीम जब करने आएँ आपको बाय चांस कोई ऐसा प्लेयर लगे कि यार हम इस प्लेयर में चेंज करना चाहते हैं, तो आप एक बार स्टैट्स देखो, स्टैट्स अच्छे लगते हैं तो ज़रूर चेंज करो। दोस्तों जब आप विकेट कीपिंग सेक्शन पे आएंगे आपको दिनेश चांदीबल और विनोद भनुका मिलेंगे। विकरौडी और अभिरत्न नहीं खेल रहे हैं, इन्हीं दोनों में आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे क्लियर अच्छी चॉइस फॉर्म के बदौलत दिनेश चांदीबल रहे हैं। हालांकि अभी रीसेट में भनुका भी श्रीलंका के लिए खेल रहे हैं, एक आप कह सकते हो फाइनल मैच पे परफॉर्मेंस देना चाहेंगे श्रीलंका की टीम में, जगह इनको चाहिए तो ये चीज़ देख के चलना। भनुका भी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, पहली आपकी ग्रैंड लीग पिक ये बन जाएंगे, ट्राइबल रहेंगे। ठीक है, अब बल्लेबाजी सेक्शन में दोस्तों यहाँ 4 प्लेयर हैं जो आपको काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि रिकमेंडेड है, आप लीजिए। पहले अविष्का फर्नांडो, क्योंकि ये ओपनिंग पे आएंगे और श्रीलंका के एकदम माहिर बैट्समैन हैं। ठीक है, सी एस लंका रिसेंट फॉर्म अच्छा है, 3 मैचेस में 2 हाफ सेंचुरी कर दी, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट बोलिंग से भी कर सकते हैं, ओवर 1 ही डाला है बट अच्छे हैं ये, हर काम कर सकते हैं, इनको मैं टीम में ज़रूर जगह दूंगा। फिर यहाँ पे 2 डाउटफुल प्लेयर्स आते हैं, इनमें से किसको लिया जाए, ओशादा फर्नांडो, कमिल मिश्रा या दोनों को लिया जाए। और कोई बैट्समैन की पहले बात करें तो मैं आपको रेकमेंड ज़्यादा नहीं करूँगा, मे बी ग्रैंड लीग में आप यहाँ पे क्रॉसपुल को या नुवानिंदु को ट्राई कर सकते हो अगर खेलते हैं तो, इनमें से दोनों में से मेरे हिसाब से कोई एक खेलेगा, जो खेले ट्राई कर सकते हो। बट ऊपर के प्लेयर्स में यहाँ पे कमिल मिश्रा और शादा फर्नांडो, आपको 1 या 2 पिक कर लेनी है, या दोनों या एक, दोनों अच्छे प्लेयर हैं। कमिल मिश्रा ओडीडी लीग के जो श्रीलंका का हुआ था, जिसमें काफ़ी टीम्स खेली थी, लगभग 28 या 18 टीम खेली थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा थी। टॉप ऑर्डर में आपको कमिल मिश्रा मिल जाएंगे या फिर वन डाउन पे, ओपनिंग या वन डाउन, इनका ये एडवांटेज है। ओशादा फर्नांडो श्रीलंका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, इनका ये एडवांटेज है। मैं अभी के लिए यहाँ पे ओशादा फर्नांडो के साथ हूँ, आप चाहें इनको भी पिक कर लें या इनकी जगह आप कमिल मिश्रा को पिक कर लें। ठीक है, अब ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों दसुन शनाका को तो लेना ही है, श्रीलंका के लिए बहुत अच्छा खेले हैं हाल ही में, इस टूर्नामेंट में भी वन ऑफ द लीड स्कोरर्स हैं और आपको बॉलिंग भी करके दे सकते हैं। असिल गुणरत्न सामने की टीम के आप कह सकते हो मेन ऑलराउंडर हैं, हालांकि इस बार कॉन्ट्रीब्यूशन उतना नहीं आया, कहीं ना कहीं दे सकते हैं, फाइनल मैच है और इनको टीम में मैं जगह देना चाहूंगा। रमा नायके ने बहुत अच्छी बोलिंग करी है और रेगुलरली विकेट निकाली है, 7 विकेट और टूर्नामेंट के आप कह सकते हो अच्छे बॉलर्स में आए हैं, टॉप विकेट टेकर अपनी टीम से ज्वाइंट। लेकिन मैं इनको यहां पे नहीं जगह दे पाऊंगा, क्योंकि इनको ले लिया तो मैं आगे टीम अपनी नहीं कर पाऊंगा, क्रेडिट की मुझे बहुत दिक्कत आएगी। सो, यहाँ पे मैंने डिसीजन लिया है कि मैं पुलिना थरंगा और चमिका करुणारत्ने को लूँगा। पुलिना थरंगा कुछ स्पिन के साथ मुझे रन्स दे सकते हैं, सी करुणारत्ने बहुत अच्छे बोलर हैं, इनको तो टीम में लेना ही है। पुलिना कोई जगह अगर आपके पास आधा करेड है या आप कहीं ऐसी जगह खेलते हैं जहाँ करेड हो, फिर आप इजीली एडजस्टमेंट करके इनको ले पाओगे। ठीक है, ये 3 प्लेयर्स में अगर कोई खेलता भी है मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। अब हम बॉलिंग सेक्शन पे अगर आ जाए तो सिकू के प्रसन्ना को बिल्कुल रेकमेंड करूँगा, हर मैच में विकेट ले रहे हैं, प्लस कहीं ना कहीं ये रन्स भी कर सकते हैं, इस साल नहीं किए हैं बट आप जानते हैं अगर सिकू के प्रसन्ना पहले ऑलराउंडर कैटेगरी में ही मिलते थे, बिकॉज ये एक्चुअली ऑलराउंडर ही हैं। सी डी सिल्वा भी बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको क्रेडिट एडजस्ट करना है तो आप इनको छोड़ के कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये वनिदु हसरंगा के भाई हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, बल्ले से भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, इसलिए मैं इनको ही लेके जाना चाह रहा हूँ। आप इनकी जगह क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्रेडिट बचा सकते हो और रामा नायके को ले सकते हो फिर पुलिना थरंगा की जगह, लेकिन अभी के लिए मैं सी डी सिल्वा के साथ ही हूँ। अब दोस्तों लास्ट चॉइसेज में आपके पास प्रभात जसूरिया एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, नुवान प्रदीप मेरे दोस्तों इनके लिए भी क्रेडिट नहीं है, सिलेक्शन देखो 15%, लास्ट मैच नहीं खेले बट ये मत भूलिए 5 विकेट ले चुके हैं, श्रीलंका के फाइन बॉलर
हैं प्लस डेथ में बोलिंग करेंगे। अगर इनकी टीम की पहले बोलिंग है तो नुमान प्रदीप आपके लिए मस्ट ट्राई बन जाते हैं, और ग्रैंड लीग तो आपको करना ही है ट्राई, ठीक है। खेलेंगे, ये फाइनल मैच है, खेलना चाहिए। मधुशंका की बल्लेबाजी एबिलिटीज देखते हुए मैंने जस्ट इनको थोड़ा प्रेफरेंस दिया है। इन्होंने पिछले मैच में आई थिंक 74 नॉट आउट की इनिंग्स खेली थी, प्लस विकेट्स भी ले सकते हैं, बोलिंग थोड़ी कम करते हैं। मेरे पास आधा करेड होता तो मैं डायरेक्टली अकेला धनंजय को लेता, लेकिन वही प्रॉब्लम है मेरे पास नहीं है। इनफैक्ट मैं पहले तो रामन आयके को ही ले लेता, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। अब दोस्तों एक रिस्क मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं अपना सीवीसी आपको बता रहा हूँ। मेरा दर्शन शनाका कैप्टन रहेंगे और वाइस कैप्टन दिनेश चांदीमल किधर है मेरे भाई, ऑब्वियसली विकेट कीपर में है, लेकिन दिनेश चांदीमल के अलावा यहाँ पे ना आप असेला गुणरत्ने या सिकू के प्रसन्ना को भी कर सकते हो। दिनेश चांदीमल अभी थोड़ी अच्छी फॉर्म में है, प्लस विकेट कीपिंग कर रहे हैं, इसलिए मैंने उनको दिया है। दोस्तों सेमी टीम में अगर आप रिस्क लेना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, असलंका की जगह यहाँ नुवानिंदो फर्नांडो आ गए, फिर आप यहाँ पे इजीली पुलिना की जगह ले पाओगे रामनायके, और यहाँ पे ले पाओगे लहीरू की जगह, चाहे लहीरू की जगह भी नहीं, क्रेडिट नहीं होगा तब भी, सीडी सिल्वा की जगह ले पाओगे यहाँ पे आप नुवान प्रदीप, तो ये चेंजेस आप कर सकते हो। कुल मिला के आपको मैं यही टीम सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको जो बदलाव मैंने बताए हैं कि आप कर सकते हो उन पर गौर करना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख के चलना। फ्रेंडली ऐसे मैचेस में खेलना बेहतर है, बिकॉज एक चेंज ही सारा लगभग गेम डिसाइड करता है। रामनायके को ड्रॉप करना अगर गलत जाता है तो आप हार सकते हैं, सिमिलरली गोस्वा और इवन नुवान प्रदीप या फिर अकीला धनंजय, लेकिन पक्की बात है आपका एक ना एक ओपोनेंट हो सकता है, इनमें से एक प्लेयर को तो ले ही आए, बिकॉज ये तीनों का प्लेयर का क्रेडिट ज़्यादा है, फिर वो कहीं और रिस्क लेके आएगा। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझा पाया और आप कुछ अच्छा इस वीडियो से कर पाएंगे। आपको टेलीग्राम का लिंक टॉप के कमेंट में मिल जाएगा, यदि आप सब्सक्राइब करना भूल गए तो जल्दी से कर लें। CPL आ रहा है, आपको इंग्लिश T20 का भी अगला वीडियो जल्द ही 2-3 घंटे में मिल जाएगा।